दोस्तों राजस्थान के अंदर तब एक होली हो रही थी, यानी कि होली जलाई जा रही थी, तब भी दूसरे होली वाले भी जलाने जा रहे थे। दोस्तों यहाँ पे पुलिस वाले आ गए थे, फिर भी यहाँ के गांव वाले यानी कि एक डर रहे नहीं थे, यानी कि यार सभी यहाँ पे मतलब कि होली जलाने जा रहे थे। एक होली इस तरफ चल रही थी और ये दूसरे होली जलाने जा रहे थे, यानी कि यहाँ पे पहले भी लड़ाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ लड़ाई वाले जा रहे थे और इस तरफ दूसरे होली वाले खड़े थे, यानी कि यार ये खेत के अंदर इस तरफ खड़े थे, तभी लेडीज लोग जा रहे थे, इस तरफ लोग जा रहे थे, तभी लेडीजों को मतलब कि परेशान किया है, पटाखे वगैरह जला के होली के अंदर, और होली का मतलब माहौल काफ़ी बिगाड़ देता है। तभी पुलिस वाले सभी आ गए थे, फिर भी नहीं डर रहे थे, क्योंकि एक दुश्मनी दुश्मनी होती है। बाकी दोस्तों इनकी होली देख सकते हो, यहाँ पे मतलब कि पुलिस वगैरह सभी आ रखी है और यहाँ के मतलब कि लोग डर रहे भी नहीं थे। बाकी यार दोस्तों उस तरफ होली दूसरी थी और इस तरफ होली दूसरी थी, तो इसको देखते ही मतलब कि एक लड़ाई मचना शुरू हो गई थी और लेडीज लोगों के देख सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे मतलब कि एक लकड़ी को लेकर ही पीटने लग गए थे गाँव वाले, बाकी यहाँ के लड़कों को आप देख सकते हो कि एक लड़ाई के चक्कर में यानी लकड़ी को पीट रहे हैं। बाकी यार दोस्तों यहाँ के गांव वालों ने लकड़ी को काफ़ी खतरनाक पीटा है और पीटने के बाद में सभी गांव वालों के मतलब दिमाग में क्या चल रहा था, जो कि सुबह देखने की कोशिश कर रहे थे और उसका इंतजार करते करते सुबह हो गई और सुबह एक लड़के को उठा लिया था। उठाने के बाद में इस लड़के के कपड़े भी फाड़ देते और मतलब कि काफ़ी खतरनाक लड़ाई वगैरह कर लेती। बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इनकी लड़ाई काफ़ी खतरनाक हो गई थी और इसके भी कपड़े फाड़ देते।